भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। साल भर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का खास महत्व पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सरल और सस्ता उपाय, जिसको मात्र 2 मिनट में कर लेने से आपके जीवन से सभी आर्थिक कष्ट दूर हो जाएंगे और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव के लिए बनी रहेगी। तो आइए देखें। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ रहना है और अपने घर को, अपने पूजा स्थान को बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ करके रखना है, ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर पे ज़रूर पधारें। माँ लक्ष्मी वहीं होती हैं जहाँ साफ सफाई होती है, मतलब जहाँ दरिद्रता नहीं होती। पूर्णिमा के दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर सबसे पहले तुलसी पूजन जरूर करें। तुलसी जी की पूरी श्रद्धा से पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं, भोग लगाएं और आरती उतारें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कृपा करती हैं और आपका घर धन धान से भरा रहता है। पूर्णिमा की रात खीर बनाकर अपनी बालकनी या अपने आंगन में जरूर रखना है, जिससे कि जब अमृत वर्षा हो तो आपकी खीर पर भी उसका अंश जरूर आए और आपके घर में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संकट ना आए। खीर खाने से आपको स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के सुख मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको करना क्या है कि शरद पूर्णिमा की रात को आपको ले लेना है 4 लौंग। जी हाँ, वही लौंग जो आप घर में मसाले के डिब्बे में रखते हैं या खाने के बाद लौंग इलायची को खाते हैं। आपको 4 लौंग ले लेना है और लेना है एक छोटा सा लाल कपड़ा। आपको करना क्या है कि शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी के सामने जब आप दीपक जलाएं, तो उस दीपक में 2 लौंग डाल दें और 2 लौंग को माँ लक्ष्मी के सामने लाल कपड़े में बांध कर रख दें और उसके बाद उसको उठाकर पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हुए अपनी तिजोरी में रख दें। माँ लक्ष्मी आपके सभी दुख और संकट हर लेंगी। आपको इससे इतना लाभ होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आपका हर तरह का आर्थिक कष्ट मिट जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपके सर पे किसी भी प्रकार का कर्ज होगा तो उसका बोझ आपके सर से बहुत जल्द उतर जाएगा। आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको मात्र इतना ही करना है कि 2 लौंग के जोड़े को दिए में डाल दें और 2 लौंग के जोड़े को लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दें। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल इतना सा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहेगी। पर इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला, जब आप ये काम कर रहे हों तो कोई भी आपको टोके नहीं, मतलब पीछे से कोई पूछे नहीं कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। दूसरा, आपको मन में पूरी श्रद्धा रखनी है और तभी ये काम करना है। और तीसरा, आपको बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होकर, धुले साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ये काम करना है, तभी ये काम फलेगा। तो शरद पूर्णिमा की रात को ये उपाय ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव के लिए बनी रहेगी।